नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद पार्टी के मुख्यालय पर जश्न देखते ही बन रहा है। मेरे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, आइए बातचीत करते हैं। आज महाराष्ट्र में जो प्रचंड विजय हासिल हुई है इसको कैसे देखते हैं? ये विजय पूरे भारतवर्ष की जीत है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है और इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा ना सिर्फ महाराष्ट्र के जनता ने जो दिखाया वो भरोसा पूरे के पूरे आने वाले समय पूरे देश में होगा। लगभग हम सभी स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिन स्टेट में नहीं है आने वाले समय में उन स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र तो अभी झांकी थी, दिल्ली अभी बाकी है। जी, दिल्ली अभी बाकी है। और लेकिन महाराष्ट्र में हमने देखा कि राहुल गांधी खूब घूमे, संविधान की प्रति दिखाई, कहा कि इसको खतरा है मोदी जी से, ये भी कहा कि आरक्षण को भी खतरा है मोदी जी से। आपको लगता है कि उन्होंने जो जातिगत जनगणना का भी वादा किया, क्या इन सबको खारिज कर दिया जनता ने? जनता ने एकदम कांग्रेस पार्टी के जो तोड़ने की नीति है उस तोड़ने की नीति को खराज एकदम खत्म करा है और दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को इकट्ठा करके जोड़ के रख सकती है। आपने कहा दिल्ली अभी बाकी है, दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले फरवरी में जनवरी में, तब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये महाराष्ट्र ने भी दिखा दिया और दिल्ली की जनता को भी पता है कि आम आदमी पार्टी के जो झूठे वादों को इस बार नकार कर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनेगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने कल एक कैंपेन भी शुरू कर दिया है, रेवड़ी कैंपेन। आपको लगता है कि रेवड़ी कैंपेन के अब जनता झांसे में आएगी? नहीं नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार जनता है और उसे पता है कि किस तरीके से वो 10 साल से 11 साल से हम लोगों को ठगे जा रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है और जमीन तक हमारे कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और हमारा मैसेज एकदम क्लियर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो दिल्ली की जो अपना तरक्की करेगी वो एकदम क्लियर है और वो सभी जनता को पता है, एकदम क्लियर है। अच्छा, हरियाणा में एक माहौल बनाया गया था कि कांग्रेस की आंधी है लेकिन सरकार बन गई बीजेपी की। महाराष्ट्र में माहौल बनाया गया कि बहुत कांटे की टक्कर है लेकिन बीजेपी का ऐसी लहर चली है जो बीजेपी ने भी शायद अपेक्षा नहीं की होगी, तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? ये चीज़ आप देख ही रहे हो कि आपने देखा कि जैसे कांग्रेस ने लहर बनाई हरियाणा में अपना, ऐसी दिल्ली में अपना क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी लहर बना रही है, मगर आपको रिजल्ट सामने दिख ही जाएगा भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद। जी, तो इसीलिए अब लोग बहुत सतर्क हो चुके हैं, कोई भी धोखे में रहने वाला नहीं है। केजरीवाल जितनी ही बेमानी कर सकते थे इनकी पार्टी कर चुकी है। अब इनका हल यही है कि अब इनको हटाया जाएगा यहाँ से। जी, हटाया जाएगा। हाँ जी, आपको लगता है कि योगी जी ने जो नारा दिया था, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, उसने भी बड़ा रोल निभाया इस चुनाव? बहुत अच्छा रोल निभाया है इस चुनाव में। उसके वजह से लोग काफी हिंदू आपस में जुड़ के एक तरफ होके इस भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे, जिसका आप रिजल्ट देख ही सकते हो। महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, अब दिल्ली इसकी बारी है देखने की। हाँ जी जी भैया, आज तो टोपी और आपका पटका बिल्कुल एकदम चमक रहा है, जैसे महाराष्ट्र में नतीजे चमक गए हैं। बिल्कुल सर, आज खुशी का इतना माहौल है, खुशी बयान नहीं की जा रही है जी, कि इतना हमें खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आज सनातन की जीत हुई है। जीत इतनी हुई है कि जीत भी प्रचंड हुई है जी। और एक एक कट्टड़ जो हमारे सनातनी है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जैसे हमारे सीएम साहब फडणवीस जी बनेंगे तो शायद फडणवीस जी सीएम, अपने शिंदे जी, हमारे नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष जी, सबने इतनी मेहनत की और बाबा ने तो दिल्ली जीत लिया। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे और बड़े बाबा का नारा था एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे, वही सनातन की सरकार बनी है। अगर हमें हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक रहना पड़ेगा, तभी सेफ रहेंगे, नहीं तो ये जिहादी हमें जीने नहीं देंगे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे कि जाति जनगणना कराऊंगा, वो जनता ने खारिज कर दिया? वो जाति जनगणना सिर्फ हिंदुओं पे करानी है, दूसरों पे नहीं करवानी, जिहादियों की जान नहीं कराएंगे। क्यों? वहाँ उनको वोट नहीं मिलेगा, वो तो उसके चाचे ताऊ हैं, रिश्तेदार हैं ना, वो रिश्तेदारी टूट जाएगी। अगर जाति जनगणना करना नहीं है तो पहले मुस्लिमों की कराओ, हिंदुओं की बाद में कराना, हिंदुओं की हम कराने के लिए तैयार हैं। हमारे तो वैसे बटे बड़े, कोई जाट है, कोई गुज्जर है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई सैनी है, ठीक है ना। जाति जनगणना उनकी जरूरत है, हमें नहीं जरूरत, हमारी तो हुई पड़ी है।
जी जी। तो ये जो जीत हुई इसमें मोदी जी और योगी जी के जो नारे थे, आपको लगता है कि इसने बड़ी भूमिका निभा दी और ये जो नारे हैं ये आगे के लिए भी ट्रेंड सेट हो गया है? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया और होना भी चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो युगों युगों के बाद सनातन के लिए आवाज उठाने वाला कोई युग पुरुष पैदा हुआ है, एक ऐसा धर्म पुरुष पैदा हुआ है जिसने जन्म ही शायद इस धरती पर होने वाले, कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था कौरवों का सर्वनाश करके, जिस तरह इसी तरह से धर्म के खिलाफ जब जब हानि होती है तो कोई ना कोई रूप लेके किसी ना किसी को प्रकट होना पड़ता है। तो हमारे प्रभु श्री राम जी को लाने वाले हमारे मोदी जी, योगी जी, और ये देखो हिंदू सनातन बोर्ड की मांग भी आज उन्हीं के ही उसमें हो रही है, और हम तो शत शत कोटि कोटि नमन करते हैं योगी जी और मोदी जी और नड्डा जी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जीत जो आपने दी है ये 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, हमारी पीढ़ियां हमेशा सुरक्षित रहेंगी। आज अगर हम सनातन के फेवर में वोट करेंगे, जातियों में नहीं टूटेंगे, किसी भी तरह बिकेंगे नहीं फ्री की रेबड़ी के चक्कर में कि हमें तोड़ा जैसे, और ऐसे लोग इंडी गठबंधन में बैठे हैं जो 15 मिनट का समय देते हैं जी हिंदुओं को काटने के, 15 मिनट का समय, ऐसे लोग मिलकर राजनीति रोटी चल रही है, जिनकी दुकानें चल रही हैं उनकी दुकानों पर शटर डालने का काम जो करा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है, योगी जी ने करा है। इस बात की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत खूबसूरत दिन है, अपने मस्त, हम बहुत खुश हैं। आज हमारे हिंदुत्व की जीत है, सनातन की जीत है, और अभी देखना हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली भी हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। ये बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों पर है जो ये कहते हैं 15 मिनट के लिए हटा दो एक नहीं बचेगा, जो मुसलमान तुष्टिकरण पहाड़ बोते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, और हम कहते हैं हमें जीश के जो है आज के जश्न में मगन रहने दो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आपको लगता है कि जो अभी रामलला ने 500 साल बाद अपने महल में दिवाली मनाई है ना, तो उसका भी असर रहा, उसका आशीर्वाद मिला है? बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। जो बटे थे, गलती करी, बटने के बाद थोड़े फ्री की रेबड़ी के चक्कर में किसी लालच में भी आके खटाखट के लालच में आ गए होंगे शायद, विचारों ने दे दिए 85-100 के लालच में गए, लेकिन अब उनको भगवान श्री राम का दंड मिला। उन्होंने कहा नहीं, अब याद करो अपने पूर्वजों को, याद करो पीढ़ियों को, कितनी पीढ़ियां चली गई सपना लेकर के, एक टेंट बदलने के लिए भी, प्रभु श्री राम के वस्त्र बदलने के लिए टेंट बदलने कोर्ट से अर्जी लेनी पड़ती थी महाराज। ये हमारा सनातन, वो हमारी सनातन, आज हमारा अखंड भारत होने के बाद हम सेकुलर कंट्री में जी रहे हैं, प्रभु राम के टेंट कपड़े बदलने के लिए हमारे को कोर्ट से अर्जी लेनी पड़ती थी, मगर आज युग पुरुष आ गए मोदी जी और योगी जी, जिन्होंने आपके 550 साल की जो हमारी प्रतीक्षा थी जो थे उसका फल हमें भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाकर दे दिया, और बहुत बेहतरीन दिवाली मनी है इस बार, और उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा पड़ा है। अब भी उन्होंने आपको आगाह कर दिया है, बटोगे तो कटोगे, और साथ रहोगे संग रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और इसमें कोई दोराय नहीं है। हम हर जगह से कटते आए, अब नहीं कटेंगे, हर चुनाव में ये 100 करोड़ लोगों की आवाज है, अब बटोगे तो कटोगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि जी आप भी आइए जी, चुनाव परिणाम को तमाम एंगलों से देखा जा रहा है, लेकिन आपका अपना क्या आकलन है, जो नतीजे हैं क्या दर्शा रहे हैं? देखिए मेरा अगर निजी आकलन की बात करेंगे तो ये बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए, क्योंकि ये एक मैसेज देना सबको जरूरी था कि जो रियल शिवसेना पार्टी है वो शिवसेना नहीं है जो UBT वाली है, वो शिंदे जी की रियल शिवसेना है, एंड ये जितना भी हमारे मतदाता हैं उन सब ने वोट दे के ये सब प्रूव कर दिया है, एंड आई थिंक दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल महाराष्ट्रियंस एंड फॉर द होल कंट्री। जी, तो आपको लगता है कि मोदी जी का जो जीत का सिलसिला अभी हरियाणा से दोबारा शुरू हुआ है वो अब आगे और बढ़ता जाएगा, दिल्ली में भी चुनाव है? ये तो बिल्कुल बढ़ता जाएगा, अभी फेब में दिल्ली में चुनाव है, तो वहाँ भी आपको यही परिणाम देखने को मिलेगा, एंड आई एम 100% श्योर कि रिजल्ट वही होंगे। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर BJP के समर्थक जुटे हैं, कार्यकर्ता जुटे हैं, वो यही उम्मीद दिखा रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है उसमें भी दिल्ली फतह करेगी BJP। देखना होगा कि परिणाम क्या रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में ही कैमरामैन अनूप के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।